Good morning, everyone. Welcome in the group of Indian Institute of Management and Science. My name is Nitin Agarwal. तो जैसा आप लोग को पता है, कोरोना वायरस की वजह से हमने एक कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया है, जिससे आप घर बैठे ही अपनी प्लस टू क्लास की सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो हमारा जो टॉपिक इस क्लास में चला हुआ है वो है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के अंदर आपको मैंने जैसे बताया था, आपकी दो बुक्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स IED, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट. तो फिलहाल हमने यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया हुआ है. सॉरी, दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि फर्स्ट बुक आपकी है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड है आपकी IED. ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है. मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक मीनिंग है वो हमने डिटेल में क्लियर कर लिया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, ये सब चीजें. तो अब हम बात करते हैं एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिकल सिस्टम. देखो, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर हर जगह आपको एक वर्ड दिखाई देगा, दैट इज एग्रीगेट. एग्रीगेट्स का मतलब होता है अनुमानित. अनुमानित मतलब कि यहाँ पे देखो, जब भी आप स्टडी कर रहे हो होल इकोनॉमी को, पूरी इकोनॉमी को आप स्टडी कर रहे हो, तो कुछ भी आप ये नहीं कह सकते क्लियर कट है. अब आपसे पूछा जाए कि पूरी इंडिया में कितने प्रोडक्ट बनाए गए, उनकी वैल्यू का सम टोटल बताओ, तो हम बता तो सकते हैं लेकिन अनुमानित बताएंगे, लेकिन कुछ चीजें जो ऐसी होंगी जो छूट जाएंगी, या कुछ चीजें हो सकती है जो हमें प्रॉपर ना डिटेल में बताओ. तो इसीलिए हम इस यहाँ पे हर चीज के आगे एक वर्ड यूज करते, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट, अनुमानित. ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं. इसमें सबसे हम पहले देखते हैं एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड का तो पता ही आपको. देखो, डिमांड का मतलब सिंपल सी है, जब तीन चीजें इकट्ठी होती है. कौन कौन सी? जब एक बंदा एबल हो किसी चीज को खरीदने के लिए, डिजायरेबल हो और विलिंग टू पे हो. यदि ये तीन चीजें इकट्ठी हो जाए तो उसे हम डिमांड कहते हैं. तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? एक अनुमानित डिमांड, क्योंकि इसमें हम जो डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं पूरी इकोनॉमी की कर रहे हैं. इकोनॉमी में, हमारे इंडियन इकोनॉमी में देखे जाए तो 138 करोड़ लोग हैं अप्रोक्सीमेशन. तो 138 करोड़ लोगों की कितनी डिमांड है उसको हम एग्जैक्टली तो नहीं माप सकते, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? एग्रीगेट डिमांड. उसके बाद ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई भी. सप्लाई क्या होता है? जितनी गुड्स एंड सर्विसेज एक प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस, ठीक है, जो सेल करना चाहता है, बेचना चाहता है, ठीक है, तो उसे हम सप्लाई कहते हैं. वो पूरे देश की मापनी है तो एग्रीगेट हो जाएगी. कंजप्शन, कितने कंज्यूम किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, तो वो एग्रीगेट हो जाएगी पूरे देश के लिए. एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या होती है? पुट योर मनी इन दैट एरिया वेयर वी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन फ्यूचर. जस्ट एक्सपेक्टेड, वी आर जस्ट एक्सपेक्टेड, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा, लॉस भी हो सकता है, ठीक है, वही होती है इन्वेस्टमेंट. एग्रीगेट इनकम. इनकम में जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो एक इंडिविजुअल की नहीं है, पूरे देश की इनकम की बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. जनरल प्राइस लेवल. जनरल प्राइस लेवल का एक सिंपल सा फंडा होता है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपकी बन रही हैं उन सबके प्राइजेस को टोटल करो, डिवाइड बाय उनकी क्वांटिटी, तो वहां से जनरल प्राइस लेवल आएगा. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं सबके प्राइजेस का सम टोटल करो, डिवाइड बाय देयर क्वांटिटी, तो आपका जनरल प्राइस लेवल आ जाएगा. बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका. तो ये सब एग्रीगेट्स होते हैं, बड़ी सिंपल सी बातें हैं, ठीक है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको डिटेल में ये सब चीजें क्लियर भी होंगी. अब यहाँ से आप समझ लीजिए कि अब आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ से लगभग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. टाइप ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस इन इकोनॉमी. गुड्स को कितने टाइप में बांटा जाता है जो भी एक इकोनॉमिक्स में हमारी इकोनॉमी में बनती है. तो नॉर्मली इसको हम कह सकते हो दो फर्दर क्लासिफिकेशन या चार क्लासिफिकेशन करते हैं. एक होता है फाइनल गुड्स और एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है. और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. तो टोटल आप कह सकते हो चार टाइप की गुड्स होती है, एक फाइनल, दूसरी इंटरमीडिएट, तीसरी कंज्यूमर और चौथी है कैपिटल गुड्स. तो वन बाय वन हम डिटेल में क्लियर करेंगे कि चारों गुड्स क्या होती हैं, किस तरह किन चीजों को किन किन करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बांटा जाता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल गुड्स. फाइनल गुड्स क्या होती है? दोज गुड्स, मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन आपको दे रहा हूं, दोज गुड्स हु आर क्रॉस द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुकी हैं, पहली चीज, मतलब कि वो अब उनके ऊपर प्रोडक्शन नहीं हो सकता. दूसरी, वैल्यू कैन नॉट बी एडिंग, जिनमें वैल्यू अब एड नहीं हो सकती. दो चीजें याद रखने, दोबारा रिपीट कर रहा हूं. फर्स्टली, जो बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुकी हैं, एंड सेकेंडली, वैल्यू कैन नॉट बी एडेड ऑन इन, इनके ऊपर वैल्यू एड नहीं की जा सकती. अब डेफिनेशन आपकी बुकिश लैंग्वेज भी देखो तो, फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट. मतलब कि जो फाइनल कंज्यूमर अपनी कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा है, ठीक है. लेकिन जो सीबीएसई आपकी गाइडलाइन दे रही है, सीबीएसई डेफिनेशन में आपको बताने की कोशिश करूँ, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन बताने की कोशिश करूँ, तो क्या है? फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो गुड्स जो बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन है उसे क्रॉस कर चुकी हैं और वैल्यू उसके अंदर और ऐड नहीं की जा सकती. इसमें से कौन कौन सी गुड्स इंक्लूड होंगी? गुड्स परचेज फॉर कंज्यूमर हाउस होल्ड के लिए, जो आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, उसमें आप वैल्यू ऐड नहीं करोगे. दूसरा, द गुड्स इज परचेज बाय द फर्म फॉर कैपिटल नेचर. कैपिटल गुड्स भी फाइनल गुड्स नॉर्मली होती है. इट मस्ट बी नोटेड दैट फाइनल गुड्स आर नाइदर रीसोल्ड और नॉट यूज फॉर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन.
ये भी याद रखना। देखो ये बात तो मैं कह सकता हूँ, मैंने अभी इसमें कहा कि फर्दर प्रोडक्शन नहीं हो सकती, एक बात हो ये, और ये रीसेल के लिए नहीं खरीदी जाती, अपने पर्सनल यूज के लिए इसको खरीदा जाता है। पर्सनल यूज मतलब कि आप कंजप्शन के लिए यूज करो तो भी, या आप किसी दूसरी गुड्स को बनाने के लिए यूज करो तो भी, लेकिन हो रहा है पर्सनल यूज, मतलब कि इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि इसको आप दोबारा बेचोगे, इसी गुड्स को दोबारा बेचो, इससे बनाई हुई गुड्स को दोबारा बेचो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसी गुड्स को दोबारा आप रीसेल नहीं कह सकते। ठीक है, फाइनल गुड्स का मीनिंग क्लियर हुआ। फाइनल गुड्स वो गुड्स है जिसको हम, जिसके ऊपर ना तो फर्दर प्रोडक्शन होगी, दूसरी बात इसमें वैल्यू एड नहीं हो सकती, तीसरी बात इसमें ये याद रखिए कि इसके अंदर जो ये गुड्स है इसको मैं फाइनली कंजप्शन के लिए खरीदता हूँ, इसके ऊपर इसको मैं इस गुड्स को दोबारा रीसेल नहीं करूंगा। क्लियर है, एग्जांपल के साथ मैं उसको क्लियर करूंगा, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को लिंक करते हुए। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी गुड्स हुई? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती है जिसको हम रीसेल के लिए खरीदते हैं, मतलब कि इसके ऊपर फर्दर प्रोडक्शन कैन बी पॉसिबल और वैल्यू कैन बी एडेड, दो चीजें इसमें भी याद रखनी है, फर्दर प्रोडक्शन कैन बी पॉसिबल, वैल्यू कैन बी एडेड। अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपने मिल्क खरीदा, ठीक है, मिल्क दोनों हो सकता है, फाइनल गुड्स भी इंटरमीडिएट गुड्स भी है, मैं दोनों का एग्जांपल मिक्स करके आपको बताऊंगा। आपने मिल्क खरीदा किसके लिए? खुद को कंजप्शन के लिए, खुद पीने के लिए, तो वो क्या है? फाइनल गुड्स है। लॉजिक क्लियर है, बिल्कुल आसान सा है। इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? अब आपने दूध खरीदा, क्यों? क्योंकि दूध से आप बर्फी बना के उसकी मार्केट में सेल करना चाहते हो, तो वो क्या हुआ? इंटरमीडिएट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्स करूंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो फाइनल गुड्स में मैंने क्या किया, दूध खरीदा, क्यों? क्योंकि मैं उसे खुद पी के अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता था, कंजप्शन के लिए मैंने इसको खरीदा, तो ये क्या है? फाइनल गुड्स है। ठीक है, फाइनल कंज्यूमर ने खरीदा। अब इसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? अब क्या मैंने दूध के ऊपर कोई फर्दर प्रोडक्शन किया? नहीं किया। क्या दूध में मैंने कोई वैल्यू एड की? नहीं की, तो वो फाइनल गुड्स है, नो प्रॉब्लम। इंटरमीडिएट गुड्स के लिए आता है, दूध का एग्जाम्पल लेंगे। अब मैंने इसमें एग्जाम्पल क्या लिया, दूध लिया जिसे मैंने बर्फी बनाई और उसको मैंने मार्केट में सेल किया। अब देखो दूध लिया, उससे मैंने बर्फी बनाई, प्रोडक्शन की, बिल्कुल उसमें वैल्यू ऐड होगी क्योंकि दूध के रेट पे बर्फी तो मिलने से रही, ठीक है ना, महंगी हो जाएगी, तो उसे वैल्यू ऐड की, दोनों काम हुए, तो ये क्या है? इंटरमीडिएट। मतलब कि गुड फाइनल इंटरमीडिएट दोनों हो सकती है, कोई इशू नहीं है, बस करेक्टरिस्टिक्स को आपको ध्यान रखना है कि किस टाइम पे वो फाइनल गुड्स और किस टाइम पे वो इंटरमीडिएट गुड्स, किसी को कोई भी किसी तरीके का डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, फिर भी रह जाता है, कमेंट सेक्शन में लिख देना, आंसर करूंगा। क्लियर, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स, अब देखो जो मैंने आपको बताया था वही चीजें यहाँ पे आ रही है। ये जो आप यहाँ पे बाउंड्रीज देख रहे हैं, ये देखो ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, प्रोडक्शन बाउंड्री कहते हैं। यदि गुड्स इसके अंदर अंदर मूव कर रही है, मतलब कि प्रोडक्शन बाउंड्री के विद इन है, मतलब कि वो इंटरमीडिएट है, जैसे ही वो इस बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगी, बाहर निकल जाएगी, वो फाइनल होगी। दो चीज क्लियर होगी, बाउंड्री के अंदर है, विद इन द बाउंड्री है, मतलब कि इंटरमीडिएट है, जैसे ही बाउंड्री क्रॉस कर रही है वो फाइनल होगी। एक चीज कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है, इसके अंदर रहेगी तो वैल्यू ऐड होती रहेगी, इसके अंदर जाएगी तो वैल्यू ऐड नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद वैल्यू एडिशन नहीं होगा। अब देखो एक फार्मर ने कॉटन बनाया 2000 रुपए का, सेल कर दिया बी को, ठीक है, उसने उसका थ्रेड बनाया 3000 रुपए का, सेल कर दिया किसी दूसरे कस्टमर को, उसने इसे क्लॉथ बनाया और कस्टमर को सेल कर दिया, यहां तक तो वैल्यू एड हो रही है, इसके बाद जब ये यहां जाएगी इसके बाद ये वैल्यू एडिशन नहीं कर सकती, तो ये फाइनल गुड्स हुई। तो देखो दोनों कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट आ रही है, जो प्रोडक्शन बाउंड्री के विद इन है तो वो इंटरमीडिएट है, जो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है वो फाइनल है, जिसमें वैल्यू एडिशन हो रही है वो इंटरमीडिएट है, जिसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो रही वो फाइनल है। बस यही याद करनी है, दो चीजें याद रखो, तीसरी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, दोबारा रिपीट करो। यदि हमारी गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री के विद इन है तो इंटरमीडिएट है, प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुकी है फाइनल है, वैल्यू एड हो रही है इंटरमीडिएट है, वैल्यू एड होनी बंद हो गई है, खत्म हो गई है, फाइनल। ठीक है, तो ये दो बातें याद करो, इससे ज्यादा आपको कुछ भी याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फाइनल इंटरमीडिएट्स के बारे में। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये आपको नोट्स जो प्रोवाइड होंगे उसमें आपको ये डिफरेंस मिल जाएंगे, इसको मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं आपको डीप डिटेल में इनको पढ़ा चुका हूं, तो ये आपको नोट्स में सिर्फ आपकी खुद की रिविजन के लिए है। ठीक है, सेल्फ स्टडीज के लिए हमने इसको डाला हुआ। अब दूसरा क्लासिफिकेशन देखो, फाइनल इंटरमीडिएट का क्लासिफिकेशन हम डिटेल में कर चुके हैं, अब हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या आता है, कंज्यूमर गुड्स, कंजप्शनल गुड्स, इसे हम कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं, और कैपिटल गुड्स को। तो कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती है? कंज्यूमर गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली, मतलब कि जिस चीज को मैं खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन के लिए खरीद रहा हूँ। मैंने ब्रेड खरीदा, क्यों? क्योंकि मैं उसे खाके भूख अपनी मिटाना चाहता हूँ, कंज्यूमर गुड्स है। मैं टेलीविजन खरीदा, क्यों? अपने घर में लगाऊंगा, देखूंगा, मजा आएगा, कंज्यूमर गुड्स है। तो ये कंज्यूमर गुड्स है। ठीक है, क्लियर हो गया, जो कंज्यूमर अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए खरीद रहा है वो सब कंज्यूमर गुड्स है। आपने
लैपटॉप खरीदा, आपने अपना मोबाइल खरीदा, क्यों? क्योंकि उससे आप अपने आप यूज करना चाहते हो, खुद के यूज के लिए खरीदा, कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है। कैपिटल गुड्स से इसको रिलेट करूंगा तब अच्छी तरीके से क्लियर होगी ये सारी चीजें। और जो कंज्यूमर गुड्स है इसको हम चार क्लासिफिकेशन में बांटते हैं, डिटेल में देखते हैं, ठीक है, वन बाय वन। चार फर्दर क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल मतलब कि जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है। अब लंबा टाइम तो जस्टिफाई नहीं है, तो आप ये मान लो कि जो मोर देन वन ईयर के लिए चलती हैं, जैसे कि आपकी टेलीविजन हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, गाड़ी हुई, ये नहीं है कि हर साल बदल रहे हैं उसे नॉर्मली, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं, वो ड्यूरेबल गुड्स होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप याद रखिए, गाड़ी का ले सकते हो, रेफ्रिजरेटर का ले सकते हो, टेलीविजन का ले सकते हो। सेमी ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल मतलब कि जो लगभग आप ये ला लीजिए, अनुमान लगा लीजिए कि एक साल तक लगभग अनुमानित चलती है, तो उसे हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। जैसे कि आपके क्लोथ हो गए, क्रॉकरी होगी, ठीक है, तो ये इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद नॉन ड्यूरेबल, इसे हम FMCG कैटेगरी मानते हैं, फास्ट मूवर कंज्यूमर गुड्स, इसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहा जाता है, ठीक है। इन्हें हम पार्शियबल गुड्स भी कहते हैं। पार्शियबल जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, मतलब जिनकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, एक वीक हुआ, एक दिन हुआ, एक हफ्ता हुआ, ठीक है, या एक महीने तक मैक्सिमम ये चलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दूध हुआ, ब्रेड हुआ, बटर हुआ, ये जल्दी ही खराब हो जाती है, तो ये नॉन ड्यूरेबल या पार्शियबल नेचर में आती है। एंड लास्टली सर्विसेज, सर्विसेज जिसका प्रोडक्शन एंड कंजप्शन सेम टाइम पे होता है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका प्रोडक्शन और कंजप्शन सेम टाइम पे हो रहा है, बैंक आपको सर्विस दे रहा है, तो प्रोडक्शन कंजप्शन सेम टाइम पर होता है, सर्विसेज है, तो इस चार तरीके की आपकी कंज्यूमर गुड्स है। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ड्यूरेबल जो एक साल से नॉर्मली ज्यादा चलती है, कार इसका एग्जाम्पल याद रखिए, सेमी ड्यूरेबल जो लगभग एक साल तक चलती है, छह महीने से एक साल तक चलती है, क्लॉथ वगैरह का एग्जाम्पल आप लीजिए। नॉन ड्यूरेबल जो बहुत कम टाइम तक, पार्शियबल नेचर की होती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है, दूध बटर बिल्क इसमें एग्जाम्पल लीजिए। और सर्विस जिसका प्रोडक्शन और कंजप्शन सेम टाइम पे होता है, उसे हम सर्विसेज के कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, बैंक, ये सारा इसमें एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। तो ये चार टाइप के हमारे पास कंज्यूमर गुड्स होती है। कंज्यूमर गुड्स क्या है, जिसको आप लास्ट कंजप्शन के लिए यूज करते हैं, मतलब कि इसको आप खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती है, सिंपल सी बात बताने की कोशिश करूं, ऐसी गुड्स जो दूसरी गुड्स को बनाने के काम है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसी गुड्स जो दूसरी गुड्स को बनाने के काम आए, उसे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के काम आ रही है, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट। अब मैं इसका डिफरेंस आपको क्लियर करूंगा, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स का, डिटेल में ध्यान से सुनिएगा। आपने गाड़ी खरीदी किसके लिए, खुद के चलाने के लिए, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए, कंज्यूमर गुड्स है। आपने एक वही गाड़ी किसके लिए यूज की, टैक्सी चला के पैसा कमाने के लिए यूज की। अब इस टैक्सी को चला के आप क्या कर रहे हो, सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो जिससे आप पैसा कमाओगे, तो वो उस टाइम पे कौन सी गुड्स कहलाएगी, वो कहलाएगी कैपिटल गुड्स। मतलब कि एक गुड्स कंज्यूमर और कैपिटल दोनों हो सकती है सेम टाइम पे, डिफरेंस क्या है, उसका यूज क्या किया गया। यदि आप उसको यूज कर रहे हो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, कंज्यूमर गुड्स है। यदि आप उसको यूज कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको आप मार्केट में सेल करोगे, तो वो कैपिटल गुड्स है। और एग्जांपल लेते हैं, आपने एक सिलाई मशीन खरीदी, ठीक है, स्टिचिंग मशीन खरीदी, सिलाई मशीन जिसे आप बोल देते हैं, सिलाई मशीन आपने खरीदी किसके लिए, खुद के कपड़ों को सिलने के लिए, तो वो कंज्यूमर गुड्स है। आपने सिलाई मशीन खरीदी जिससे आप दूसरों के कपड़े सील के उन्हें सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करवा रहे हो, तो उस पॉइंट को, उस चीज को, उस सिलाई मशीन को, उस टाइम पे हम कैपिटल गुड्स कहेंगे। गुड्स कैपिटल और कंज्यूमर हो सकती है, दोनों हो सकती है, डिपेंड अपॉन उसका यूज क्या किया गया। आई थिंक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सेम पॉइंट सम पॉइंट्स है, मतलब कि डिटेल थोड़ी सी हमने इसमें ज्यादा दी गई है, ये आपकी खुद की सेल्फ स्टडी के लिए है, ठीक है। ये नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे जिससे आप सेल्फ स्टडी कर पाएंगे कि इसमें क्या क्या डिटेल्स और डाली है। फिर भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट रहता है, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अब डिफरेंस इसमें दिया गया, ऑब्वियसली आप लोगों की हेल्प के लिए दिया गया। तो द कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। हमारे आज का जो टॉपिक था वो चार चीजों के ऊपर था, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। चारों को मैंने विद एग्जांपल आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। फिर भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी तरीके का, तो आई एम ऑलवेज देयर। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9996521500, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 9996521500। इसके ऊपर आपका अपना क्वेश्चन जो भी है, आपका डाउट है, वो आप सेंड कर सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में एक अपील करूंगा कि कोरोना वायरस फैलने की वजह से आप सब लोग घर पे हैं, कोई इशू नहीं है, आपकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दूंगा। आपको घर पे रह कर, मैं भी अपने घर पे रह के पढ़ा रहा हूँ, आप भी अपने घर पे रह के पढ़िए, और हम अपनी पढ़ाई का कोई लॉस नहीं होने देंगे।
जस्ट आपको एक काम करना है मुझे, मेरे लिए इस वीडियो को ज्यादातर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे इस वीडियो को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब बटन दबा दें जिससे जितनी भी वीडियो हम अपलोड करेंगे, जितने भी लेसन हम अपलोड करेंगे वो सब आप तक पहुंचे, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाओगे, कोई चार्जेस नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये कोर्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंचा पाऊँ। थैंक यू।